नमस्कार दोस्तों, बीआर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपसे जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है मुंह से आने वाली बदबू, जिसे हम बैड ब्रेथ या हेलिटोसिस भी बोलते हैं। मुंह की बदबू के कई कारण हो सकते हैं, जिसके मुख्य कारण हो सकते हैं मुंह में इन्फेक्शन होना, आपके दांत पर, जीभ पर या मुंह में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, दांतों और मुंह की सही तरीके से सफाई ना रखना, गले में इन्फेक्शन होना, गले में टॉन्सिल्स होना, उसकी वजह से भी मुंह में बदबू आने की समस्या हो सकती है। साइनस की परेशानी से भी मुंह से बदबू आने की समस्या हो सकती है। जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता है, गैस बहुत बनती है, अपच या बदहजमी की परेशानी होती है, उन्हें भी मुंह की बदबू की समस्या हो सकती है। डायबिटीज के पेशेंट को भी मुंह की बदबू की समस्या हो सकती है। कई बार कुछ दवाइयां लेने पर भी मुंह की बदबू की समस्या हो सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप मुंह की समस्या से निजात पा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे सही तरीका है कि आप दिन में दो बार ब्रश करिए और दिन में दो बार आप एंटीसेप्टिक माउथवॉश से गार्गल करिए। इससे आपको मुंह की बदबू की समस्या से आराम मिलेगा। खाना खाने के बाद आप सादे पानी से या गुनगुने पानी से हमेशा कुल्ला करें। इससे भी मुंह में सफाई बनी रहेगी और आपको मुंह की बदबू की समस्या से आराम मिलेगा। अगर आपको साइनस की समस्या है, आपका पेट खराब रहता है या कोई भी और समस्या अगर आपको है, तो आप उसका ढंग से इलाज करें। इससे भी आपको इस समस्या से निजात मिलेगा। कुछ और तरीके हैं, जैसे कि आप फ्लेवर च्युइंगम चबा सकते हैं। इससे आपकी सांस फ्रेश होती है और आपको मुंह की बदबू से आराम मिलेगा। आप इलायची चबा सकते हैं, लौंग को चूस सकते हैं या दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लेकर भी चूसेंगे तो इससे भी आपको मुंह की बदबू से आराम मिलेगा। आप जब भी बाहर जाएं तो मुंह में इलायची रखें। इससे आपके मुंह से बदबू भी नहीं आएगी और आपको अनकंफर्टेबल फील भी नहीं होगा। अगर आपको साइनस की दिक्कत रहती है तो आप भाप लीजिए, इससे आपकी ब्रेथ भी फ्रेश होगी और आपको इस समस्या से आराम भी मिलेगा। अगर आपका मुंह सूखता है तो उसके लिए आर्टिफिशियल स्लाइवर ड्रॉप्स आती हैं, आप वो ले सकते हैं। अगर आप च्युइंगम चबाएंगे तो उससे भी आपको आराम मिलेगा और आपके मुंह की बदबू की समस्या कम होगी। कुछ लोगों को बार बार जीभ पर फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसे हम ओरल थर्श बोलते हैं, उससे भी मुंह की बदबू की समस्या ज्यादा होती है। अगर आपकी जीभ सफेद हो जाती है तो उस कंडीशन में आप इसका इलाज करवाइए, जिससे आपको इस समस्या से आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये तरीके अपनाकर आप मुंह की समस्या से आराम पा सकते हैं। यदि फिर भी आपको आराम ना मिले तो किसी डेंटिस्ट को दिखा के पूरी जांच करवाइए, ताकि किस कारण से आपको ये समस्या है उसका पता लगाया जा सकता है और आपकी समस्या से आपको आराम मिलेगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।